कॅप्टन सायबरमध्ये आपलं स्वागत आहे. मुदखेड शहरातील जिल्हा परिषद प्राथमिक उर्दू शाळेतील विद्यार्थ्यांना भोकर विधानसभेतील सामाजिक दान महर्षी दादाराव पाटील ढगे यांच्या वतीने जिल्हा परिषद प्राथमिक उर्दू शाळा पोलीस स्टेशन परिसरातील मौलाना अब्दुल कलाम आझाद हायस्कूल आदर्श उर्दू प्राथमिक शाळा नवी आबादी अलिफा इंग्रजी शाळा व तसेच नवी आबादी येथील दारुलूम येथील विद्यार्थ्यांना 19 ऑगस्ट 2024 रोजी पहिले ते 12वी पर्यंत विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वह्या व पेनीचे वाटप करण्यात आले. यावेळी उपस्थित असलेले गोपीराज पाटील पवार, ओंकार पाटील ढगे, बालाजी पाटील नागेलीकर, माधव पाटील ढगे, मोहन पवार, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद येथील शेख मैनुद्दीन, अब्दुल रशीद, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद शरीफ खाजा, अब्दुल हाफिज, मोहम्मद इस्माईल, फारूक मोहम्मद खाजा, काँग्रेस कार्यकर्ता गफारभाई पारेवाले, वसीमभाई, अजितभाई, खदीरभाई, बक्षुभाई यांच्यासह जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शहरातील नागरिकांची उपस्थिती होती. मुख्याहून अब्दुल रजाक यांची विशेष रिपोर्ट. आज मुदखेड शहर के उर्दू स्कूलों में दादा राव ढगे साहब के तरफ से कापी और पेन दिया गया है. हमारी मुदखेड तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं. मुस्लिम समाज की तरफ से इनके शुक्रिया अदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी का हम इंतजार करते हैं कि दादा राव ढगे को विधानसभा का टिकट देना चाहिए. उनका काम कैसा चल रहा है अभी तालुके में? अभी तालुके में इनका काम, हर गरीब बच्चों को, हर गरीब स्कूलों में उनका काम कॉपी का और पेन का अच्छा काम चल रहा है, जिसके पैसे वाटर भी चढ़े हैं. जो गरीब गरीबों के लिए जो लाचार है, बेबस है, इनको पैसे का भी इंतजाम किया जा रहा है. इसलिए इन दादा राव ढगे साहब को विधानसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से देना चाहिए.